क्लास 11 स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया और कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग रॉड में हीट किस तरीके से फ्लो करती है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने टेंथ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था इन सीरीज एंड पैरेलल, सिमिलरली हर एक रॉड की अपनी मटेरियल की कंडक्टिविटी हो, मटेरियल की चेंज हो जाए। अगर हम दो मटेरियल रॉड को आपस में कनेक्ट करें तो इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी को हम ऐड कैसे करें, इसके दो ही तरीके इन सीरीज इन पैरेलल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो रॉड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, फिर देन आफ्टर हम लोग ये निकालेंगे कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, और लास्ट में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसको हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमने दो कंडक्टिंग रॉड ली, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा K1 N2,
प्लस ए टू एल वन, और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, के वन थीटा वन एल टू प्लस ए टू थीटा टू एल वन अपॉन एल वन एल वन एल टू क्या हो गया कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, के वन थीटा वन एल टू प्लस के टू थीटा टू एल वन अपॉन के वन एल टू प्लस के टू एल वन। दिस इज द इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ टू कंडक्टिंग रॉड, यानी जहां पे दो रॉड एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है वहां का टेम्परेचर थीटा इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। केवल हमें पता क्या हो, के वन पता हो यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड रॉड की पता होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ऊपर के टेम्परेचर पता हो। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो ये इक्वेशन हम सेकंड कंसीडर कर ले और आज के लिए वर्क है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा ये कि थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से कहां पे रख लेंगे आप, फर्स्ट चाहे इस प्लेस पे रखिए या इधर इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा एच आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आपको इसका आगे पढ़ाएंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है तो हमको आपको समझ। और सो प्लीज स्टूडेंट आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करें और काफ़ी चेक करें और साथ साथ वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपको डाउट है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके थैंक यू।